सो गाइस, अगर आप लोग अपना गेम प्ले इम्प्रूव करना चाहते हो और आप चाहते हो ना कि आप बहुत अच्छे प्लेयर बन जाओ, तो उसके लिए आप लोगों को अपनी बेसिक सेटिंग्स और एडवांस सेटिंग्स को सही तरीके से सेट करना होगा। अब गाइस देखो, जितने भी नए बंदे होते हैं या फिर कुछ पुराने प्लेयर्स भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि बेसिक सेटिंग्स में उनको क्या सेटिंग्स रखनी है, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होती उस चीज़ की, तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों के लिए क्या बेस्ट सेटिंग्स होने वाली है आपके कंट्रोल्स के हिसाब से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सो गाइस सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्प्रिंट सेंसिटिविटी के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे बंदों को नहीं पता होता कि उन्हें स्प्रिंट सेंसिटिविटी कितनी रखनी है। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्प्रिंट सेंसिटिविटी होते क्या है। सो गाइस फॉर एग्जांपल, मैंने स्प्रिंट सेंसिटिविटी अभी जीरो कर दी है, तो गाइस आप लोग देख सकते हो मेरा करेक्टर कितना ज़्यादा स्लो चल रहा है। एंड गाइस अपने करेक्टर को फास्ट मूव करने के लिए ना मुझे अपनी जॉयस्टिक यहाँ तक ड्रैग करनी पड़ेगी। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर हम स्प्रिंट सेंसिटिविटी बिल्कुल 100 कर देते हैं, तो अगर हम जॉयस्टिक को हल्का सा भी आगे ड्रैग करेंगे तो हमारा करेक्टर सीधा भागने लगेगा, जिसकी वजह से हम लोग कभी भी स्लो मूवमेंट दे ही नहीं पाएंगे। अब गाइस आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये फिर तो बहुत सही चीज़ है, हमें हमेशा 100 पे खेलना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब गाइस सपोज़ करो आपके सामने एनिमी है और आपको कवर से हल्का सा बाहर निकल के उस एनिमी को मारना है। अब गाइस अगर आप स्प्रिंट सेंसिटिविटी 100 रखोगे ना, तो आपका करेक्टर एकदम स्प्रिंट कर देगा और एकदम से पूरा बाहर आ जाएगा, और जबकि वहाँ पे आपको हल्का सा बाहर आना था, तो ऐसे में आप लोग कई बार मर भी सकते हो। तो स्प्रिंट सेंसिटिविटी ना आपको हमेशा 60-80 रखनी है, या फिर मैक्सिमम आप 90 तक जा सकते हो, 90 से ऊपर कभी भी मत जाना। सो गाइस अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे। सो गाइस हमारा सेकंड पॉइंट होने वाला है थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव कैमरा व्यू। अब गाइस काफ़ी सारे बंदों को ना इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि भाई हमें 90 पे खेलना चाहिए या फिर 80 पे खेलना चाहिए। अब गाइस देखो, मैं आपको बता देता हूँ दोनों के अलग अलग फायदे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 90 पे करके खेलते हो तो आप लोगों को वाइडर एंगल मिलेगा, जिसकी वजह से आप लास्ट जोन में स्नैक्स स्पॉट कर पाओगे आराम से, या फिर आप एनिमीज को जल्दी स्पॉट कर पाओगे और आप ज़्यादा एरिया अपनी स्क्रीन में कवर कर पाओगे। वहीं पर अगर आप 80 पे करके खेलते हो तो आपको सब कुछ बड़ा बड़ा दिखता है, जिसकी वजह से आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है एम करना। और गाइज आप लोगों का अगर हिप फायर बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, तो आप लोगों को 80 पे करके खेलना चाहिए, क्योंकि 90 पे ना आप 20-30 मीटर के दूर पे मतलब हिप फायर दे ही नहीं पाओगे वहाँ पे, क्योंकि हिप फायर स्टेबल रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि आप लोग 90 पे हिप फायर कंट्रोल ही नहीं कर सकते, अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो 90 पे भी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो 90 ज़्यादा बेटर होता है 80 से, बट उसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत छोटा छोटा दिखता है, जिसकी वजह से आपका एम बहुत ज़्यादा स्टेबल करना पड़ता है आपको। ओके, सो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्कोप मोड। अब गाइस देखो, मैं सिंपली तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम टू फिंगर खेलते हो तो तुम लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है कि तुम इसको टैप पे करके खेलो, बट वहीं पे अगर तुम 3, 4 या 5 फिंगर खेल लो तो तुम इसको होल्ड पे करके खेल सकते हो, एंड मेरे अकॉर्डिंग होल्ड पे ये चीज़ ज़्यादा बेटर रहती है। सो गाइस अब हमारा पॉइंट नंबर 4 आ जाता है कैमरा रोटेशन वाइल एडीएस। अब गाइस देखो, तुम्हारा अगर इंडेक्स फिंगर पे स्कोप वाला बटन है ना, तो इसको हमेशा डिसेबल रखना, नहीं तो जैसे ही तुम टैप करोगे ना अपनी स्क्रीन पे और तुम्हारी फिंगर हल्की सी हिलेगी तो तुम्हारा पूरा एम बिगड़ जाएगा। बट वहीं पे अगर आपका स्कोप वाला बटन आपके थंब पे है, तब आपको इसको एनेबल रखना है, इससे आपको एम शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आप आराम से गेम खेल पाओगे। सो गाइस अब हम पीक के ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। अब गाइस देखो, आप 2 या 3 फिंगर खेलते हो तो पीक वाले बटन को टैप पे करके रखना, वहीं पर अगर आप 4 या 5 फिंगर खेलते हो तो आप इसको होल्ड पे करके रखना। एंड गाइस कैमरा रोटेशन वाले लीन में आपको क्या करना है, अगर आपके पीक वाले बटन आपके इंडेक्स फिंगर पे है तो आपको इसको डिसेबल कर देना है, एंड अगर आप मेरी तरह थंब पे करके खेलते हो पीक वाले बटन्स को, तो आपको इसको एनेबल कर देना है। सो गाइस आप लोगों के साथ कई बार होता होगा कि लाइक आप कवर के पास फाइट ले रहे हो और आप जैसे जंप एंड शूट मारने का ट्राई करते हो, तभी आपका करेक्टर भाई वॉल पे चढ़ने लग जाता है या फिर उस डिब्बे के ऊपर चढ़ने लग जाता है और आप मर जाते हो। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए आप लोग क्या करना है, आपको सेटिंग में जंप एंड क्लाइंब का सेपरेट वाला बटन मिल जाएगा, आप लोगों को इसको सेपरेट कर देना है, और भाई उसके बाद आपकी स्क्रीन में दो दो बटन आ जाएंगे। एक हो जाएगा आपका नॉर्मली जैसे आप पहले वोल्ट करते थे, और दूसरा बटन हो जाएगा जंप करने के लिए। तो भाई उसके बाद आप कवर के पास खड़े होकर भी अगर जंप करके फायर करोगे ना, तो भाई आपका करेक्टर कभी भी वॉल पे नहीं चढ़ने वाला है। एंड गाइस अगर आप जंप एंड क्लाइम का बटन सेपरेट नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि आप मर्ज करके ही खेलो एक ही बटन के साथ, तो आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप कवर के पास फाइट ले रहे हो आपको जंप एंड शॉट देना है ना, तो आप थोड़ा पीछे को जंप करो, ठीक है? क्योंकि देखो अगर आप थोड़ा आगे को जाके जंप करोगे तो आप लोगों का करेक्टर वापस से क्लाइम कर लेगा वहाँ पे, तो आप लोगों को जैसे मैं कर रहा हूँ ना इसी तरीके से आपको पीछे की तरफ को जंप करना है। ओके, सो गाइस अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा ऑटो पिकअप। अब गाइस जैसा कि आप लोग इस क्लिप में देख सकते हो कि मैं यहाँ पे सर्वाइव इसलिए कर पाया क्योंकि सामने वाले एनिमी का ऑटो पिकअप ऑन था, और भाई ये एनिमी मेरे को मारते मारते यहाँ पे लूटने लगा। आप लोग देख सकते हो इसका एम पूरा नीचे चला गया था, अगर इस बंदे का ऑटो पिकअप ऑफ होता तो ये मुझे आराम से मार सकता था। अब देखो भाई, ऑटो पिकअप ऑफ करने के बाद ना कुछ टाइम तक
तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लाइक आपको कुछ भी उठाने के लिए ना आपको बार बार क्लिक करना पड़ेगा, पर भाई आपको 2-3 दिन में इस चीज़ की आदत हो जाएगी। और भाई ट्रस्ट मी यार, मतलब मैं बहुत बार मरा हूँ इस चीज़ की वजह से, तो मैंने इसलिए इसको ऑफ कर दिया था। और भाई अभी मेरे को बड़ा सही रहता है कि भाई मतलब जब तक मैं क्लिक नहीं करता किसी भी चीज़ पे तो मेरा करेक्टर उस चीज़ को उठाता नहीं है। तो भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप लोग चैनल पर नए हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।